देख रहे हैं, चलो अच्छा है। और हमसे नहीं होता, हम और मेरे से होता नहीं, मेरा कान दर्द करता है। और बापी, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। पूजा भुवन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। और आज माँ का पहला दिन है, ये रहा देखिए, हमारा पूजा भी हो गया। सुबह सुबह पंडित जी आ गए थे, 7:30 नहीं हुआ था, पंडित जी आए थे, हमारा पूजा भी हो गया। और सुबह बहुत जल्दी हम उठे, करीब 5 नहीं बजे था हम उठे, पूरा अंधेरा था बाहर में, मतलब ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था आज, पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा, ठंडा आ गया ना, तो सुबह में उठते नहीं है यार। आज उठते हैं सुबह में, बट इतना जल्दी नहीं उठते हैं, और आज इतना जल्दी उठ गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था सुबह में, मतलब ठंडा कोहर कोहर के हम काम कर रहे थे, इतना काम था घर में। क्योंकि कल पता नहीं हम लोग का पानी भी आया नहीं, नल में क्या हुआ था बंद, मतलब अनाउंसमेंट किया गया था बट हम सुने नहीं थे, और हमको पता नहीं था, हमको बाद में पता चला। और फिर थोड़ा बहुत काम में पड़ा था, तो वो सुबह उठ के फटाफट हम किए। और पंडित जी पहले बोल दिए थे कि हम 7 बजे तक आ जाएंगे, फिर भी 7:30 बजे आए, तब तक मेरा पूरा काम हो गया था। उसके बाद आके पूजा वूजा किए, और ये रहा माँ का दिया, ये दिया जो 9 दिन जलेगा वही है। और आप लोग कौन कौन नवरात्रि माँ का मतलब पूजा करते हैं कमेंट करके बताइएगा, और उपवास भी करते, क्या क्या खाते हैं 9 दिन वो भी बताइएगा कमेंट करके। और चलिए बाहर चलते हैं, बाबू लोगों सब बाहर बैठे हुए, मेरा ना हालत ख़राब है फ्रेंड जानते, अभी भी हम ना उठने बैठने नहीं सकते, इतना पैर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कि कैसा लग रहा है बताइएगा। माँ का पूजा मतलब होने, मतलब माँ का मतलब भगवान का पूजा करने से ना मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा हमारा हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी माता रानी भी कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए। तो चलिए बाहर निकलते हैं, चाय हुई भी पता नहीं। गुड मॉर्निंग, बैठे हैं सब यहाँ। हम लोग कितने काले दिख रहे हैं पता नहीं कैसे। सब दिख रहा, सोमनाथ भी काला दिख रहा कितना। सोमनाथ भी आज पूजा किया है। हमको तो शंख बजाने आता नहीं ना यार, ये शंख बजाए इतना जोर जोर से, बाप रे, हमको नहीं पता था कि इसको शंख बजाने आता है, ये भी पंडित है। पुजारी ना, ये भी पंडित है, घर में होता है पूजा। हाँ, इतना जोर जोर से शंख बजाया है और हम इसको देख रहे हैं, चलो अच्छा है। और हमसे नहीं होता, हम बजाते ना कान का सर, भी नहीं बजा पाए। पंडित जी भी नहीं बजा पाए, ये बजाया अच्छा लगा, इतना जोर जोर से बजाया ना, बहुत अच्छा लगता है। शंख बजने से ना घर में अच्छा लगता है, और मेरे से तो होता है नहीं क्योंकि मेरा दोनों तरफ कान बजाते नहीं, इसीलिए हम कभी पूजा करते तो बजाते नहीं। तो कैसे बजाया फिर कौन? तो नहीं, आप हमको लगा ना आप घर में बजाती नहीं, इसलिए हम भी नहीं बजाते थे। नहीं, मेरे घर में संग बजता है बट हम नहीं बजाते, हमसे नहीं होता कान, मतलब मेरा कान दर्द करता है। मेरे घर में बच्चा बच्चे लोग संग बजाते हैं, भाभी जाती है, भाभी का दो बेटी छोटी वाली, छोटी इतनी बड़ी है, संग हो जाती कितना जोर जोर से, और मेरे से होता नहीं, मेरा कान दर्द करता है। और पियू, पियू भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग। काले काले दिख रहा है। हाँ, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। पता नहीं आज कैमरा को क्या हो गया, आज काले काले नजर आ रहे हम लोग ना, मेरा मुंह तो सूखा ही नजर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, जा रहे हैं, थोड़ा चाय भी बनाएंगे, चाय भी पीते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, चाय बना लिए थे, चाय बना के पी लिए हैं, और अब नाश्ता बना, नाश्ता क्या, मनीषा से पूछे क्या खाएगी, उपमा बना दे देते हैं, तो वो बोली दीदी उपमा नहीं खाएंगे, आप मेरे को मूढ़ी फ्राई करके दीजिए, तो उसके लिए भी हम मूढ़ी फ्राई कर रहे हैं। ये रहा देख सकते हैं, कढ़ाई में सरसों डाल दिया है, और मूढ़ी था नहीं घर में, तो ये मूढ़ी खरीद के लेके आए हैं, तो अब ये मूढ़ी इसमें जितना वो खाएगी उतना हिसाब से मूढ़ी ऐड करेंगे, और उसको जाके भी दे के आएंगे। मुड़ी इतना ऐड कर दिया, हम इसको फ्राई करते हैं। क्या क्या खाने का उसको मन करता है, बाबू जब पेट में था उस टाइम भी सिर्फ मुड़ी ही ज़्यादा खाई है, ज़्यादा आधा से ज़्यादा तो मुड़ी ही खाई है बाबू जब पेट में था, और होने के बाद भी अभी उसको मुड़ी ही खाने का मन कर रहा है। क्या लड़की है, नाश्ता उपमा बना रहे नहीं खाएगी, उसको मुड़ी खाना है, खाओ अच्छा। और इधर चावल चढ़ाया है देखिए ना, चावल आधा होते होते में लाइन चला गया, बंद हो गया लाइन, पता नहीं अब कब आएगा। गैस में ना चढ़ाने में डर लग रहा, गैस में रखब खत्म हो जाएगा पता नहीं,
तो इसलिए अब लाइन आएगा तो ही चावल बनेगा, उसके बाद दाल बनाएंगे और आलू का भुजिया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी अभी 9 दिन में हम मेरे घर में भी सादा ही बनेगा, प्लेन बनेगा, प्याज लहसुन कुछ नहीं बनेगा, तो बस वही दाल भात आलू चोखा आलू पोस्तू ही सब बनेगा। तो चलिए मूढ़ी फ्राई कर लेते हैं हम, और रोहित को फ़ोन करके बुलाते हैं, हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि धूप भी यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं फेस भी बहुत काला काला दिख रहा है। पंचमी के दिन फेशियल वगैरह कराएंगे, देखते अभी नहीं, अभी से करेंगे तो फिर रौनक हट जाएगा, तो इसीलिए पंचमी के टाइम कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग को फिर ये पैन करते हैं और प्यार सपोर्ट जैसे दे रहे फ्रेंड वैसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे।